ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। बदल दीजिए, जल्दी से डीजल को कम कराइए। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। मैंने साफ बताया, जो बताया वही लिखो आप। मैंने बोला डीजल यूज करने वाले व्हीकल के ऊपर अगर जल्दी आप अगर अल्टरनेटिव नहीं लाएंगे, इसको कम नहीं करेंगे, तो हम अपने तरफ से पेट्रोलियम में हमारे वित्त मंत्री जी को अनुरोध करेंगे कि डीजल को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगा। हालांकि 2014 तो पेट्रोल डीजल दियां सोधियां कीमतां दे कारण घरेलू बाजार दे विच डीजल इंजन वाले वाहनां दी विक्री दे विच गिरावट आई है। पिछले वित्तीय साल दी गल कीती जाए तां इन्हां वाहनां दी कुल विक्री दे विच डीजल इंजन वाले वाहनां दी गिनती लगभग 18% सी, जो कि वित्तीय साल 2014 दे विच 53% हो गई। सियाम दे 63वें सालाना कन्वोकेशन दे विच बोलदियां नितिन गडकरी ने कहा कि मैं अज शाम खुद वित्त मंत्री नूं डीजल दे नाल वाले इंजना ते 10% वादू टैक्स लगाउण दे लई एक लिखती प्रस्ताव देण जा रहे हैं, जिस तो बाद की सी सियासत दे विच बवाल छिड़ गया, देश भर दे विच चर्चा होण लगी। पर हुण नितिन गडकरी ने इस ते स्पष्टीकरण दिता है ते उन्हां कहा है कि अजिहा कोई प्रस्ताव सरकार दे सामने विचार अधीन नहीं है, पर फिर भी इस बयान नूं हल्के दे विच लैणा सही नहीं होएगा क्योंकि आने वाले समय दे विच डीजल इंजन नाल चलन वाले वाहनां ते निश्चित ही एक रोक लगेगी, घट मात्रा दे विच उसका उत्पादन होएगा। वजह दसी जा रही है कि इस दे नाल वाधू प्रदूषण हुंदा है जिस नूं रोकना समय की लोड़ है।